हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सोनिया। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपीज अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। चॉकलेट तो हम सबको बहुत पसंद आता है, तो आज मैं आपके साथ फ्रूट एंड नट चॉकलेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी से बन जाती है। इसके लिए हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की भी जरूरत नहीं लगती, तो चलिए हम इसे फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए चॉकलेट सिलिकॉन मोल्ड। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, ये भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। और ये लिए है मैंने कुछ नट्स, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश। इन्हें मैंने कट कर लिया है और इन्हें मैंने रोस्ट कर लिया है। ध्यान रखिए, नट को हमें रोस्ट करके ही डालना है इसमें, ताकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। सबसे पहले तो हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करके लेंगे। इसे हम डबल बॉयलर से मेल्ट करेंगे। आप चाहे तो माइक्रोवेव ओवन में भी मेल्ट कर सकते हैं। गैस के ऊपर मैंने पॉट रखा है और इसमें मैंने पानी डाला है, और गैस का फ्लेम हमने मीडियम किया है। पानी बॉईल हो गया है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देते हैं और इसके ऊपर हम ये बड़ा वाला पॉट रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो पानी है इस पॉट के बेस में, ये पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज आपकी चॉकलेट खराब हो सकती है। अब हम इसमें डालेंगे ये डार्क कंपाउंड चॉकलेट। चॉकलेट हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। इसे हम ऐसे स्टर करते रहेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें हम उतार देंगे। इस मेल्टेड चॉकलेट में हम डालेंगे नट्स जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब हम चॉकलेट को मोल्ड में फिल करेंगे। अब हम इसे टैप करेंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। अब हम इसे फ्रिज में रख देते हैं सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और हमारे ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो गए हैं। अब हम इसे निकालते हैं मोल्ड से। वाह, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरीके से हम सारे चॉकलेट्स को निकाल लेंगे। चॉकलेट्स को मैंने मोल्ड से निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे चॉकलेट। लग रहे हैं ना मार्केट जैसे चॉकलेट, शाइन कर रहे हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम सबके डिलीशियस चॉकलेट बिल्कुल रेडी हो गए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।